बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. माय नेम इज अली अमानुल्ला, आई विल बी अ फैसिलिटेटर फॉर F7 इन उर्दू वर्जन. सर मैं EY में था पहले, मैं पिछले 2 साल से विफी में पढ़ा रहा हूँ और ओवरऑल मैं 5 से 6 साल से F7 का पेपर पढ़ा रहा हूँ, ACC का F3 F7 पढ़ा रहा होता हूँ पिछले 5 6 साल में. सही है सर. आगे बढ़ने से पहले याद रखना, जब भी तुम कोई पेपर पढ़ो ना, सबसे पहले जाके उसका कोई पासवर्ड उठाया करो और पेपर फॉर्मेट सबसे पहले देखोगे पेपर में होता क्या है. जब तक तुम्हारे जहन में ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा कि हमें पढ़ना कैसे है ना, जब तक तुम अपना पेपर पास नहीं कर पाओगे. तो सर एग्जामिनर ने, आपके ACCA के एग्जामिनर ने आपके F7 के पेपर को 3 ब्रॉड सेक्शन में कैटेगराइज किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी. अच्छा सर, सेक्शन ए और बी इज समहाउ सिमिलर टू सेक्शन ए एंड बी ऑफ योर FA का पेपर. सर जिस तरह आपके FA के पेपर में सेक्शन ए में MCQs होते थे, OTQs होते थे, सर यहाँ भी MCQs और OTQs होंगे. सर वहां तकरीबन 70 नंबर के होते थे, यहाँ 30 नंबर के होंगे, 15 MCQs होंगे या 15 OTQs, ऐसा कुछ मिक्सर होगा. हर MCQ की वेटेज 2 मार्क्स होगी, यानी कि 15 मार्क्स पर MCQ मल्टीप्लाइड बाई 15 MCQs ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो सर 30 मार्क्स मेरे बन गए. जिस तरह सेक्शन बी आपका FA के पेपर में OTQ होता था, यहाँ पे भी सेक्शन बी OTQ ही होगा. वहां 10 नंबर का होता था, यहाँ 20 नंबर का होता है सर. सॉरी, यहाँ भी 10 नंबर का होता है, लेकिन यहाँ पे 5 फर्दर क्वेश्चंस में ब्रेक होता है. अच्छा सर क्या मतलब हुआ, एग्जामिनर आपको पूरा एक प्रॉपर सिनेरियो देगा और उससे रिलेटेड 5 फर्दर MCQs करेगा उसके अंदर ही. सर तो MTQs कितने होते हैं मेरे पास इस पेपर में? सर आपके पास MTQ भी 3 होंगे और हर MTQ की वेटेज 10 मार्क्स होगी, तो इसका मतलब ईच MTQ विल बी अराउंड 10 मार्क्स ईच. सेक्शन ए की वेटेज 30 मार्क्स, सेक्शन बी की वेटेज 30 मार्क्स. टोटल मार्क्स कितने होंगे जल्दी बता दो मुझे, ए और बी मिला के कितने मार्क्स हो गए हमारे पास? 60. बेहतरीन. अब सर इसके बाद क्या होगा, सेक्शन सी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तुम्हारे FA के पेपर में सेक्शन सी नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे सेक्शन सी आ गया है. वो यहाँ पे तुम्हारी स्प्रेडशीट स्किल्स और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्किल्स को टेस्ट करता है एग्जामिनर. सर यहाँ पे क्या होता है, बोले यहाँ पे तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए दे देगा, ग्रुप अकाउंट्स बनाने के लिए दे देगा, तुम्हारी किसी कंपनी की इंटरप्रिटेशन करवाने के लिए दे देगा. सर सेक्शन सी में तुम्हारे पास होते हैं 2 क्वेश्चंस. अच्छा सर, उन 2 क्वेश्चंस क्या कंपलसरी होते हैं, कोई चॉइस होती है? सर कोई ऑप्शनल नहीं होता, सब क्वेश्चंस कंपलसरी है, चाहे सेक्शन ए हो, बी हो या सी हो. हाँ, एग्जामिनर ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा है कि ये चीज तुम्हारी सेक्शन सी में नहीं आएगी, ये चीज सेक्शन सी में आएगी. तो अब सर पास्ट ट्रेंड को अगर मैं देखूं और तुम्हें बताऊं कि सर सेक्शन सी में क्या आता है, तो सेक्शन सी में तुम्हारे पास एक सवाल आएगा, या तो इंडिविजुअल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलेगा, या तुम्हें कहेगा ग्रुप अकाउंट्स बना के मुझे दे दो. यानी कि एक सवाल जो तुम्हारे 20 मार्क्स का होगा, जिसमें तुम्हारी स्प्रेडशीट के स्किल्स यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्किल्स जो टेस्ट की जाएंगी, वो तुम्हारे 20 मार्क्स का होगा, जिसमें तुम्हारी इंडिविजुअल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिनर तुम्हारा टेस्ट कर रहा होगा. सर दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी कि तुम्हें रेशो एनालिसिस करना होगा. तुमने F3 में सिर्फ रेशियोज की कैलकुलेशन पढ़ी थी, बेसिक इंटरप्रिटेशन पढ़ी थी, यहाँ कहेगा तुम इंटरप्रेट करके बताओ हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग और हाउ द ग्रुप इज परफॉर्मिंग. क्या ये बात क्लियर है सबको? सर अच्छा, अब मुझे ये बताओ तुम लोगों में से किस किसने, अब जो थोड़ी देर पहले डेमो चल रहा था स्टार्ट होने से पहले, किस किसने देखा है वो? सर आई हैव अ क्वेश्चन. अच्छा प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे. हाउ वाज द डेमो, जो डेमो आप लोगों ने देखा है वो कैसा डेमो लगा आपको? वाज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? ओके एक बात और सुनो मेरी, सर उसमें क्या चीज आपको इंटरेस्टिंग लगी उसके अंदर, वो जो डेमो आपने देखा उसमें क्या चीज इंटरेस्टिंग लगी कि आप इजीली चीज को रिमाइंड कर पाओ, रिकॉल कर लो, याद हो जाए चीजें? क्या चीज आपको उसमें अपीलिंग या इंटरेस्टिंग लग रही थी इस डेमो में? बेहतरीन एनिमेशन. सर विफी मेड श्योर कि तुम्हारी जो भी पूरी F7 की रिकॉर्डिंग है ना, वो पूरे एनिमेटेड लेक्चर्स हैं, यानी कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो एनिमेट हो रही होगी, तो आपके जहन में एक मूवी क्रिएट होती जा रही होगी किसी भी स्टैंडर्ड के हवाले से. तो जब एग्जाम में कोई सवाल आएगा ना, तो वो पूरी मूवी आपके जहन में चल रही होगी, यहाँ सर ने ये पढ़ाया था, IS-37 चल रहा था तो सर ने केस बताया था, IS-10 चल रहा था तो सर ने ये केस बताया था, वो पूरी मूवी एनिमेट हो रही होगी. और जब आप सवाल कर रहे होगे तो वो चीजें रिकॉल होगी, आप सवाल बड़ी आसानी से कर लोगे. तो सर यहाँ पे जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो पूरे एनिमेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, नंबर वन. सर नंबर टू, यहाँ पे विफी पे जो लेक्चर्स हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी लेक्चर तुम्हारी कोई भी रिकॉर्डिंग या कोई भी रिकॉर्डिंग का किसी भी स्टैंडर्ड की रिकॉर्डिंग का एक पार्ट 15-20 मिनट से ज्यादा का लेक्चर ना हो.
इससे होता क्या है सर, हम खुद एक जमाने में स्टूडेंट थे, अगर मुझे कोई 2 घंटे ये बोले कि यार ये लेक्चर है 2 घंटे एक साथ बैठ के देखो, मेरा दिमाग खराब है, मैं देखूंगा, मैं तो कभी भी ये देखूंगा सर। हो क्या होता क्या है इसके अंदर कि 15-15, 20-20 मिनट के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको आप आसानी से कैप्चर याद कर लेते हो, आसानी से पढ़ लोगे। तो हमने कोशिश की है कि हर लेक्चर को अंटिल एंड अनलेस कोई पॉसिबल सॉल्व करा रहा हूँ, वो शायद थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, लेकिन जहां जहां कॉन्सेप्ट दिए हैं, जहां जहां कुछ इलस्ट्रेशन है, वो मैंने कोशिश की है कि 15-20 मिनट से बड़ा कोई लेक्चर ना हो तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे जहन पे बोझ ना पड़ेगा। अब सर हम विफी पे पढ़ाते किस तरीके से हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। हम सबसे पहले आपको देते हैं रिकॉर्डेड सेशन सारे। सर क्या पूरा का पूरा आप रिकॉर्डेड एक साथ दे देंगे मुझे? नहीं, मुझे पता है अगर मैं आज तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई, कल मैं तुम्हें पूरा का पूरा रिकॉर्डेड देके अपने पेज पर छोड़ दूंगा ना, तुमने सेप्टेम्बर से पहले कुछ भी नहीं पढ़ना, मुझे पता है ये बात, तुम नहीं पढ़ोगे कुछ भी। सर क्या होगा एंड में, सेप्टेम्बर में जाके तुम जागोगे कि यार अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये भी कवर नहीं हुआ, ये भी कवर नहीं हुआ। तो हम तुम्हें पीस मील में रिकॉर्डिंग्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें वीकली टारगेट्स देता रहूंगा कि ये वीक वन शुरू हो गया, लेट्स फॉर एग्जाम्पल कल से हम वीक वन शुरू करेंगे, तो आपको 7-8 दिन का एक लैग मिलेगा कि आपने इस इन दिनों के अंदर ये लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। एग्जैक्टली 1 वीक बाद हम मिलेंगे वापस, उसमें हमारा होगा लाइव सेशन। पॉइंट नंबर 2 देख रहा है, रिकॉर्डेड के बाद क्या होगा? लाइव सेशन होगा। सर उस लाइव सेशन में क्या करेंगे? लाइव सेशन में आप लोग, जाहिर सी बात है, कुछ क्वेरीज होंगी आप लोगों की, जो सेशन रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उसमें कुछ क्वेरीज भी आप लोगों की होंगी। जब क्वेरीज आपकी होंगी तो सर वो कहाँ एड्रेस होंगी? सर वो व्हाट्सएप पे भी एड्रेस हो रही होंगी, यू कैन कॉल मी 20। सर जब क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी, इसके बाद सर एक और चीज हम आपको देते हैं, वो क्या है कि हर टॉपिकल ई नोट्स मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल आप IS-16 पढ़ रहे हैं, तो IS-16 के फोल्डर में ही मेरे कुछ बनाए हुए नोट्स होंगे सर, ई नोट्स कहलाते हैं, वो आपको आपके पोर्टल में मिल जाएंगे, वो पढ़ने, उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सॉल्व करने, और उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद उनके सॉल्यूशंस भी तुम्हारे पास पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। तो यू विल हैव लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल ऑन योर डेजिग्नेटेड वेब पोर्टल। सर अगली बात, सर हर टॉपिक में इसी तरह चलता रहेगा, हर वीकली हम आपको असाइनमेंट देते रहेंगे, टारगेट्स देते रहेंगे। सर ये किस तरह पूरी ट्रैकिंग होगी, किस तरह पूरी प्रोग्रेस चलेगी, आप किस दिन हमें क्या चीज देंगे, वो जब मैं प्लानर को डिस्कस कर रहा हूँ तो हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। सर इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम बेस्ड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। सर एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है बिल्कुल सम हाउ सिमिलर टू ACC का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जहां पे एक क्वेश्चन बैंक हमारा पूरा बना हुआ है, जहां पे आप जाएं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अगर वहां पे किसी क्वेश्चन की क्वेरी हो तो सर प्लीज आप पूछें। इसके बाद सर एक अदद हमारे पास एंड में होता है मॉक। अच्छा सर मॉक को हर स्टूडेंट बड़ा लाइटली लेता है कि सर मॉक ही तो है, एग्जाम में जाके दे देंगे। याद रखना जब तक तुम लोग मॉक सिमुलेशन नहीं करोगे, 3 घंटे का पेपर मॉक एग्जाम एग्जाम कंडीशन में, एग्जाम एनवायरनमेंट में, एग्जाम से पहले सॉल्व नहीं करोगे, जब तक तुम एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो माय रिक्वेस्ट इज टू ऑल ऑफ यू कि जब भी मॉक हम अनाउंस करें, मैं अभी डेट बता दूंगा तुम लोगों को मॉक की डेट क्या है तुम्हारी, तो प्लीज 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 मॉक देना तुम लोग। अच्छा सर मॉक सिर्फ देते हैं नहीं भाई, हम इंडिविजुअल मॉक को मार्क करके तुम लोग को वापस देंगे, किस बच्चे ने कहा किस पार्ट पे गलती की है, ताकि वो तुम्हारी गलती एड्रेस हो जाए और तुम एग्जाम में जाके वो गलती ना करो। इसके बाद सर आपने तो कहा कि हम वीकली असाइनमेंट दे देंगे, टारगेट दे देंगे, तो क्या इसकी कोई ट्रैकिंग भी होगी? जी बिल्कुल ट्रैकिंग होगी कि सर किस बच्चे ने किस दिन कौन सा लेक्चर देखा। वीक का एक टारगेट था लेक्चर, एग्जाम्पल वीक वन में आपको 2-3 स्टैंडर्ड दिए मैंने कि आपने ये कवर करने, अब उसी अगली लाइव क्लास से पहले पहले ट्रैकिंग शीट हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को रियलाइज हो आप लोगों ने क्या क्या चीज मिस कर दी है और यू आप लोग कितना पीछे चल रहे हो, हाउ मच यू आर लैगिंग। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जब जो टारगेट चल मिले उस टारगेट को जरा पूरा करना है हमने, ताकि हम एक अच्छे खासे टाइम से पहले अपना कोर्स कवर कर लें और हम रिवीजन पे आ जाएं। सर हम विफी में एक हम एक काम करते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल तुम्हारा पेपर है 8th of September को ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मिड अगस्त में आके तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाए, मिड या 20th or 22nd of August तक आके तुम्हारा कोर्स पूरा वाइंड अप हो जाए और फिर हम रिविजन की तरफ चले जाए। सर हम कितनी दफा रिवीजन करते हैं? हम तकरीबन 2-3 दफा रिवीजन करेंगे पूरे कोर्स का, एक दफा पढ़ेंगे 2-3 दफा रिवीजन करेंगे। सर वो कैसे करेंगे? वो मेरा काम है करवाना, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रैंड रिवीजन हमारे पास होता है सर, वेबिनार्स होते हैं हमारे पास, फिर हम एक ग्रैंड रिवीजन सेशन प्लान कर रहे होते हैं। इसके बाद सर विफी में एक और चीज है जो आई डोंट थिंक कहीं और भी फॉलो होती है, दैट इज टीचर असिस्टेंट। कि सर हर पेपर में एक टीचर असिस्टेंट का रोल होता है जो कि 24/7 आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल हो, ग्रुप पे एक्टिव होना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ रहे हो आपको कोई क्वेरी हो, जस्ट ड्रॉप हिम अ व्हाट्सएप मैसेज, आइदर ऑन ग्रुप आइदर ऑन पर्सनल, यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज टू मी एज वेल। कि जब भी चाहे कोई क्वेरी हो, जस्ट एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करो, तो तुम्हें इंशाल्लाह विद इन 3-4 hours रिस्पॉन्स मिल जाएगा उस क्वेरी का। कोशिश कर रहे होंगे हम फॉरन रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन एट टाइम ऐसा होता है कहीं मीटिंग में होते हैं, हर बंदा कहीं काम करा रहे, किसी और क्लास में है, कहीं और जाके पढ़ा रहे हैं,
तो हम कोशिश करते हैं कि 3 to 4 hours के में हम आपको रिस्पॉन्ड कर दें। क्या यहाँ तक बात क्लियर सबको? बिल्कुल, आप लोग ई नोट्स प्रिंट कर सकते हैं। अब सर एक बात और, कुछ लोगों का सवाल आता है सर कि F7 में जो आप पढ़ा रहे हैं स्टडी टेक्स्ट कौन सी पढ़नी है, एग्जाम क्रेडिट कौन सी करनी है। याद रखना देयर इज नो नीड टू गो फॉर स्टडी टेक्स्ट। सर जो आपको ई नोट्स दूंगा ना वो बहुत है, वो बहुत ज्यादा काफी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ई नोट्स विल बी मोर देन एनफ, वो काफी है, उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफी है, आपने कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम किट के हवाले से आपने काम करना है कि आपने, आपके पास पोर्टल पे सॉफ्ट में किट अवेलेबल होगी, लेकिन आप चाहते हैं तो आप जाके परचेज कर लें कैपलन की एग्जाम किट। कैपलन की एग्जाम किट सेक्शन बी तकरीबन हम पूरा साथ कर रहे होंगे, सेक्शन बी भी मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग्स दूंगा कुछ साथ करा, सेक्शन सी की मैं रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा और साथ भी कराऊंगा। सेक्शन ए वो सेक्शन होगा जो आपको खुद करना होगा सेक्शन ए के सवाल में, सेक्शन बी 90% मैं कराऊंगा आपको, सेक्शन सी कुछ सवाल मैं कराऊंगा आपको और कुछ की 100% रिकॉर्डिंग दूंगा, और जो सवाल रिकॉर्डिंग में नहीं होगा वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा पूरे। तो सेक्शन बी भी आप तकरीबन पूरा मेरे, सी भी पूरा मेरे साथ कर दोगे, ए आपको खुद करना पड़ेगा। क्या हम कमिटमेंट करते हैं हम लोग करेंगे, यस और नो? हेलो, अब सर आगे एक बात चलते कि F7 में को ACCA ने किन ब्रॉड कैटेगरीज में सिलेबस को जरा डिफाइन किया हुआ है, स्प्लिट किया हुआ है, जरा देखते हैं। सबसे पहला एरिया है तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये वो चीज है जिसपे तुम्हारे F7 की बुनियाद है पूरी ना। लेकिन सर क्या ये एग्जाम में कोई खास टेस्ट होता है? नहीं, इतना कोई खास टेस्ट नहीं होता। अगर ये टेस्ट हो भी गया तो सेक्शन ए में कोई एक दो MCQs आ गए तो आ गए 2-4 नंबर के, बस इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। सर पॉइंट नंबर 2 है तुम्हारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक एक्सटेंसिव लिस्ट है जो हमें पूरी करनी है। सर इसके अंदर स्टार्टिंग विद IAS 16 पूरे नॉन करंट एसेट के 6-7 स्टैंडर्ड है, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फिर लीजेज है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे पास कौन कौन से स्टैंडर्ड जो हमें कवर करने हैं। तो सर 60-70% ऑफ द टाइम वी विल बी कवरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमें वो करने होंगे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तुम्हारे, तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, वो तकरीबन 2-2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो चुका होगा। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम्हें अच्छी खासी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो तुम्हें देखनी पड़ेंगी। सर इस अकाउंट F7 में 2 मेन एरियाज हैं, नंबर 1 इज ग्रुप अकाउंट्स, नंबर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर 80% ऑफ द एग्जाम इसी से आता है, तो हम अपना 80% ऑफ द टाइम इसी को एलोकेट कर रहे होंगे। सर पार्ट नंबर 3 क्या है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये मैं कहता हूँ कोई अलग से एरिया नहीं है, जब तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर लोगे ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से ही तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, बस। तो बोला क्या ये अलग टॉपिक है? नहीं सर, ये अलग टॉपिक नहीं है, तुम्हें एक फॉर्मेट बताऊंगा इस तरह बनानी होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं किए तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं आती होगी। अगला एरिया ग्रुप अकाउंट्स। ग्रुप अकाउंट्स क्या है? कंसोलिडेशन। सर जिन्होंने F3 पढ़ा हुआ है या रिसेंटली, सब ऑब्वियसली सब पढ़ के आए होंगे, कुछ ने अभी पढ़ा है, कुछ ने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन सर अगर F3 का तुम्हें कंसोलिडेशन याद है तो इसके अंदर 20-30% एडिशनल नॉलेज है, बाकी सब पूरा कंसोलिडेशन वो ही है। लेकिन सर क्या हम बिल्कुल नया पढ़ेंगे जो नई चीजें, या पूरा पढ़ेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच के व्हाट इज मीन मेंट बाय कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन होती क्या असल में। अगला एरिया हमारा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सर यहाँ पे एग्जामिनर ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम पूरी के पूरी कैश फ्लो मुझे बना के दो। मैं अगर तुमसे कुछ पूछूंगा तो वो होगा कुछ एक्सट्रैक्ट पूछ लूंगा, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में पूछ लूंगा, यानी कि पूरी कैश फ्लो एग्जामिनर तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए ये भी एक लिमिटेड एरिया है। सेक्शन ए में आएगा तो 2-4 नंबर का MCQ आ जाएगा, अगर बी में आया तो किसी MCQ का एक पार्ट बन के आ जाएगा, और अगर सी में आया तो इंडिविजुअल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए तुम्हें दे देगा 2-4 नंबर के लिए। तो अगर इसकी एग्जाम में वेटेज की बात की जाए तो तुम्हारा कैश फ्लो 4-6 नंबर का आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ये वही रेशो एनालिसिस है, इस पे पूरा एक 20 नंबर का सवाल बनता है तुम्हारा, बनता ही बनता है कुछ भी हो जाए। सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी आती ही आती हैं, जिसमें क्या बोल दिया मैंने कि जो पॉइंट नंबर 3 है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या पॉइंट नंबर 4 ग्रुप अकाउंट्स यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में बनाने, इन दोनों में से कोई एक सवाल तुम्हारा आएगा ही आएगा 20 नंबर का। और एक जो लास्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन सी में, इसका एक सवाल आएगा ही आएगा, तो 40 मार्क्स तुम्हारे यहीं से आएंगे। सर सेक्शन ए और बी में क्या आता है? सर एग्जामिनर कैन टेस्ट एनी पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन सेक्शन ए और बी। तो हम इस तरह तैयारी कर रहे होंगे कि हमारा सेक्शन ए और बी इस तरह कवर हो जाए कि हमें सेक्शन सी में ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े। मैं तुम लोगों को सेक्शन ए और बी इस तरह कराऊंगा इंशाल्लाह, कि शॉर्टकट बताऊंगा कि एग्जाम में आए तो हमें करना क्या है।
देखो याद रखना, जब भी तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो ना, तो दो तरीके होते हैं पढ़ने के। नंबर वन, इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बात है तो क्यों है, कॉन्सेप्ट क्या है पीछे, नंबर वन। नंबर टू सर, कॉन्सेप्ट तो ये है लेकिन ये बताएं एग्जाम में कॉन्सेप्ट काम नहीं आता, एग्जाम में एग्जामिनर को आंसर चाहिए। तो सर एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो हमें करना क्या है, तो यानी कि एग्जाम अप्रोच में कॉन्सेप्चुअल लट्टा काम आता है, एग्जाम में सवाल आ गया तो ये चीजें देखूंगा मेरा आंसर आ जाएगा बस। तो हम दोनों चीजें करेंगे, कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि जिंदगी में आगे बढ़ो, दुआएं देते रहो हमें, और एग्जाम अप्रोच बताऊंगा एग्जाम में आए तो तुम्हें करना कैसे। क्या यहां तक बात क्लियर है? नहीं ऐसा नहीं होगा, सेक्शन सी में दोनों क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन से नेक्सस नहीं होता। सेक्शन सी में जो पहला सवाल होगा वो अलग होगा, और जो इंटरप्रिटेशन को होगा दैट वुड हैव नो कनेक्शन, नो नेक्सस विद फर्स्ट क्वेश्चन। अब जिस तरह आपको दिख रहा है F7 इज कंसिडर्ड टू बी इजिएस्ट पेपर अमंग द स्किट मॉड्यूल, इसका पासिंग रेट देख लो तकरीबन 50 के अप्रॉक्स ही रहा है। पहले एक जमाने में 44, 46 हुआ करता था, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से 48, 49, 50 की रेंज में रह रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सबसे आसान पेपर है, स्किल मॉड्यूल का सबसे आसान पेपर है। सर अगर आपने फेल होना है ना तो आपने बहुत मेहनत करनी है। सर क्या मेहनत करनी है? जो मैं कह रहा हूं उसको इग्नोर कर दें, आपने लेक्चर टाइम पे ही देखने, आपने लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करनी, आपने रिविजन नहीं करना साथ साथ, आपने मॉक नहीं देना, आपने कंटिन्यूसली जो हमने टाइम टेबल दिया उसको फॉलो नहीं करना। लेकिन सर ये पास करना सबसे आसान काम है, एक काम करना है जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करते रहो, विश्वास करते रहो, कसम से पेपर पास करना वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, आई कैन अश्योर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कि अगर जो कहा है तुमसे, तुम सिर्फ वो प्लानर फॉलो कर लोगे ना, तो तुम्हारे लिए F7 वुड बी अ पीस ऑफ केक, वुड बी इन योर हैंड्स। क्या हम प्लानर फॉलो करने के लिए कमिटेड है? क्या हम रिविजन प्लानर फॉलो करने के लिए कमिटेड है, यस और नो? अब सर जिस तरह मैंने कहा कि F7 अगर तुम्हें फेल करना है ना तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या सर बच्चे फेल क्यों होते हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है सर, बच्चे बोलते हैं मैं सेलेक्टिव स्टडी की तरफ जाऊंगा, कि अपने जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि यार क्या क्या आ सकता है इंपॉर्टेंट, यार हु आर यू टू डिस्कस के क्या क्या आ सकता है। यार एग्जामिनर को नहीं पता होता, टीचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि एग्जाम में क्या आने वाला है, तो तुम कैसे प्रेडिक्ट करके सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो? तो बच्चे बोलते हैं यार ये कुछ मेजर स्टैंडर्ड है, ये पढ़ लो मेरा पेपर पास हो जाएगा, यानी कि तुम सेलेक्टिव स्टडी करते हो। तो प्लीज हमें सेलेक्टिव स्टडी की तरफ नहीं जाना। सब पॉइंट नंबर टू, बच्चे क्या करते हैं 100% कोर्स कवर करते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को कैच नहीं करते, खाली देखते हैं यार इस टॉपिक में ये होता है ऐसा होता है। जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो एग्जामिनर ने पूछा यही है, लेकिन एक रास्ता पूछने का ये सीधा स्ट्रेट आ रहा है, एक यहां से घूम के आया। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो यहां से आने वाले बच्चे को मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर जिस रूट से भी आए तुम आंसर उसको दे सकते हो। अच्छा फिर एक कॉम वो होती है जिसने 100% कोर्स भी कवर किया होता है, कॉन्सेप्ट भी लिए होते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस नहीं की हुई होती। क्या मतलब कि सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, जाके एग्जाम में सॉल्व कर लूंगा, मसला नहीं है, किट विट नहीं करनी है, लाइव क्लास मैं अटेंड नहीं करूंगा। तो जब तुम्हारे तुम्हें पता ही नहीं है एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह कर रहा है, तुमने प्रैक्टिस ही नहीं की कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो किस तरह उसको सॉल्व करना है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि एग्जाम में तुम सवाल सही सॉल्व करके आ जाओगे? अगली चीज, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो पढ़ते भी पूरा है, 100% कवर भी करते हैं, कॉन्सेप्ट भी लेते हैं, फिर प्रैक्टिस भी प्रॉपर करते हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यार बच्चे ये बोलते हैं कि मुझे मॉक नहीं देना है। जब हमें मॉक नहीं देना तो क्या मैं 3 घंटे में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं पूरा पेपर करूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है 3 घंटे की, तो यार एग्जाम में पेपर देने की। तो अगर मैं मॉक नहीं दूंगा तो मेरी टाइम मैनेजमेंट इफेक्ट होगी? जी सर, टाइम मैनेजमेंट इफेक्ट होगी। जब टाइम मैनेजमेंट इफेक्ट होगी तो क्या मेरा पेपर पूरा नहीं होगा? जी सर। और जब तक तुम पेपर पूरा नहीं करोगे तो क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम पास हो? अज्यूम करो कि एक सिनेरियो में रखता हूँ तुम्हारे सामने कि तुमने अपना एक सवाल छोड़ दिया, लेट्स फॉर एग्जांपल कि तुम एग्जाम प्रेशर में आ गए, टाइम मैनेज नहीं होता, तुमने 1.5 घंटा तुमने सेक्शन ए पे लगा दिया, 1 घंटा तुमने सेक्शन बी पे लगा दिया, नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली हाफ एन आवर। तुमने क्या किया, सेक्शन सी में एक सवाल उठा लिया। अब जब तुम आधे घंटे के प्रेशर में सेक्शन सी का सवाल करोगे ना तो वो सवाल तो होना गलत है। इसका मतलब जो तुमने 20 नंबर अटेम्प्ट किए वो तो तुमने प्रेशर में आके कुछ गलत कर दिया, जो 20 नंबर छोड़े हैं तुमने वो तो गए। इसका मतलब तुमने अटेम्प्ट 80 का किया उसमें भी 20 में तुम्हें श्योर नहीं हो। तो बोला टाइम मैनेजमेंट इज वेरी की टू, वेरी क्रिटिकल एंड की टू सक्सेस, कि तुम्हें पेपर में अटेम्प्ट किस तरह करना है, किस सेक्शन को तुम्हें कितना टाइम देना है सब मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि तुम्हें पहले से प्रैक्टिस करते रहोगे और टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी ना, मॉक दोगे और टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी।
अगली चीज सर, आपने तो ओरिएंटेशन में कहा था कि ये इजी पेपर है, तो मैंने इसको इजी लिया और मैं आराम करता था, सुकून से पढ़ता था। अब जब तुम्हारे जहन में ये बात चल जाएगी ना कि इजी पेपर है, पास हो जाएगा, अल्लाह के बंदो पास करने के लिए पढ़ना तो है ना, जब तुम्हारे जहन में एक बात बैठी हुई है ना, इजी पेपर है, एंड में पढ़ूंगा, तो वो एंड कभी भी नहीं आता, एंड यू विल अल्टीमेटली एंड अप विद फेलियर, इनफैक्ट अ बैड फेलियर। तो क्या इन जो 6-5 बातें हमने लिखी है, क्या इन सबसे बचेंगे हम लोग? ये है हमारा पूरा प्लानर जो हमें पूरा फॉलो करना है। सर ये प्लानर फॉलो किस तरह करना है, क्या सीन करना है, डिस्कस करते हैं इसको हम लोग। कि अब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया ना, उनको आज रात या कल सुबह कुछ टॉपिक का एक्सेस मिल जाएगा। अभी जो प्लानर मैंने वीक बनाया ना, ये वीक इस तरह बनाया कि अगर सेक्शन ए के सवाल आएंगे तो भी कवर हो जाएंगे तुमसे, और सेक्शन बी में भी एग्जामिनर सवाल करता है ना, वो इसी तरह ग्रुप बनाया करता है कि इन स्टैंडर्ड को एक साथ मर्ज करके सवाल करता है। पॉइंट नंबर वन सर, सबसे पहला क्या है मेरे पास, नॉन करंट एसेट का एरिया, जिसमें तुम्हारे पास आई एस 16 है, आई एस 20 है, आई एस 36 है, आई एस 40 है, आई एफ आर एस 5 है, आई एस 23 है, यानी कि ये तकरीबन 6-7 स्टैंडर्ड जो तुम्हें वीक वन में कवर करने हैं। सर वीक वन मतलब 7 दिन में इतने सारे स्टैंडर्ड्स नहीं। सर आज क्या डेट है सर, टुडे 16th of June। सर हमारी पहली लाइव क्लास होगी 27th of June, यानी कि तकरीबन 10-11 दिन बाद। तो तुम्हें 17 से लेकर यानी कल सुबह से लेकर 27 जून तक तुम्हें ये चीज करनी है पूरी कवर। डन हो गया क्या? ये 10 दिन 7 स्टैंडर्ड के लिए काफी है? इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक दिन में हो जाएंगे, कुछ बड़े स्टैंडर्ड जिनको 2 दिन लगेंगे। क्या हम वीक वन में ये काम कर लेंगे? जी सर कर लेंगे। सर हम मिलेंगे 27th of June को हमारी पहली लाइव क्लास में। सर उसमें क्या करेंगे? उसमें हम तुम्हारी क्वेरीज को डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें हम तुम्हारी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे होंगे, उसमें हम कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और उसी दिन रात को तुम्हें वीक टू का टारगेट दे दिया जाएगा कि अब तुम्हें वीक टू में क्या करना है। सर वीक टू में तुम्हारे पास 3 स्टैंडर्ड्स होंगे। नंबर 1 इंटेंजिबल एसेट यानी कि आई एस 38, लीज आई एफ आर एस 16 एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आई एफ आर एस 9। सर ये तुम्हारे पास होगा 27th June से लेकर 4th of July तक। फिर हम मिलेंगे 4th July को। सर ये कैसे कैसे आपने ब्रेक किया हुआ है, कुछ 7 स्टैंडर्ड्स के लिए 10 दिन, 3 स्टैंडर्ड्स के लिए 7 दिन। अब देखो इनटेंजिबल एसेट का स्टैंडर्ड छोटा सा है 1 दिन का, लेकिन IFRS 16 और IFRS 9 एक बहुत दुनिया है पूरी इसके अंदर। तो सर इसको हमें करना है 3-3 दिन के अंदर कवर, कि 3 दिन लीजेस पे, 3 दिन IFRS 9 पे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे। फिर हम मिलेंगे 4 जुलाई को, फिर हम इसके कुछ पासेबल क्वेश्चन करेंगे। सर फिर हम मिलेंगे वीक 3 में। वीक 3 में तुम्हारे पास क्या आएगा? IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर एंड IAS 21 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अब सर वंस अगेन फिर यही 3 स्टैंडर्ड आपने दिए 1 हफ्ते के अंदर। अब IAS 21 वो स्टैंडर्ड है जो तुम 1 घंटे में पूरा कवर कर लोगे, उसके लेक्चर भी तकरीबन आधे से पौने घंटे हैं, खास चीज नहीं है उसके अंदर। हाँ IAS 33 और IFRS 15 एक पूरी बहुत बड़ी दुनिया है जिसके अंदर तुम्हें टाइम लगाना है 2-3 दिन हर स्टैंडर्ड को देने। IAS 33 कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन है पूरी, लेकिन प्योर मैथ्स है वो उसके अंदर। और IFRS 15 एक बहुत डिटेल स्टैंडर्ड है, तुम्हें उस पर टाइम लगाना है। तो बोला फिर हम मिलेंगे कब? 11th of July को, जिसमें हमें डिस्कस करना होगा कि क्वेरीज क्या है तुम्हारी और कुछ पास पेपर को डिस्कस करना होगा हमें। फिर हम आ जाएंगे वीक 4 पे। वीक 4 में तुम्हें मैं क्या दूंगा? इनकम टैक्स यानी कि IAS 12, फिर दूंगा IAS 37 प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, फिर मैं तुम्हें दूंगा IAS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, और कुछ छोटे मोटे स्टैंडर्ड जिसके नाम मैंने क्या रखा है अदर मिसलेनियस स्टैंडर्ड, जिसमें IAS 8, IAS 2, IAS 41 और IFRS 13 है। सर जो पॉइंट नंबर 11 पे अदर मिसलेनियस स्टैंडर्ड्स है ना, ये सब मिला के 1 दिन के हैं। अगर तुम 3-4 घंटे कंटिन्यूस बैठो ना, तो सब मिला के 1 दिन में कवर हो जाएंगे। IAS 12 अकेला तुम्हें 2-3 दिन खा जाएगा, और IAS 10, 37 मिला के 3 दिन में काम आएगा। तो बोला ये 7 दिन का ब्रेकअप इस तरह है। हाँ मैं तुम्हें ग्रुप में बताता रहूंगा कि जिस दिन तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल आज का मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया ना कि तुम्हें इस वीक में ये करना है, तो मैं तुम्हें प्लानर दूंगा किस दिन तुम्हें क्या कौन सा स्टैंड करना है, ताकि तुम एंड तक वो चीज कवर कर लो 1 हफ्ते में, 10 दिन में तुम्हें जितना कवर करना है कि इस दिन ये पढ़ोगे, इस दिन ये पढ़ोगे, तुम्हारी ये चीज कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। डन हो गया? तो मैं ग्रुप पे बताता रहूंगा जिस दिन। हर मंडे हमारी लाइव क्लास होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of June, हर मंडे हमारी लाइव क्लास होगी, तो मैं बताता रहूंगा तुम्हें करना किस तरीके से, पूरी सीक्वेंस दूंगा। सर इसके बाद क्या होगा? फिर एक मैं तुम्हें वीक दूंगा फ्रॉम तकरीबन 16-17 जुलाई से लेकर अगस्त के फर्स्ट वीक तक, जिसमें तुम्हें एक बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, जिसमें फ्रेमवर्क है पूरा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कंसोलिडेशन पूरा कवर करना है। सर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम्हारे तकरीबन 10 दिन लगेंगे, इसलिए मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम दिया, मैंने पूरे 15 दिन दिए तुम लोग गिन के, कि कंसोलिडेशन तुम्हें इटसेल्फ 10 दिन लेगा, तुम्हारे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो 2 दिन लेगा, फ्रेमवर्क 2 दिन 1 दिन ले लेगा। तो जब तुम ये कर लोगे तुम्हारे 15 दिन में, यहाँ तक तुम्हारा कोर्स हो गया सेक्शन ए और बी पूरा खत्म।
और सेक्शन सी भी हो गया लेकिन उसकी प्रैक्टिस बाकी है। अब इसके बाद डेट हमारे पास आती है एंड की, 2 अगस्त टिल 16-17 अगस्त। इसमें क्या करना है हमारा सर, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसमें हम इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल करेंगे। हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस की, यानी करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, एक्सेल पे 7 हम बनाएंगे, एसीसी प्लेटफॉर्म में बनाएंगे, फिर हम इंडिविजुअल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। इस पूरे 15 दिन के अंदर 3 लाइव क्लासेज होंगी, एक इंडिविजुअल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एक ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और एक इंटरप्रिटेशन की। और इसके अलावा तुम्हें कुछ लेक्चर्स दूंगा मैं रिकॉर्डिंग के, हर सवाल सॉल्व किया हुआ होगा उसके अंदर। क्या है तक बात क्लियर है सर? 17 अगस्त तक हम उस पोजीशन पे आ जाएंगे, हमारी सब चीजें खत्म हो गई हैं। फिर 17, 18 और 19 को मैं तुम्हें एक रिवीजन का एक्सेस दूंगा, जो कि मेरा जून 2022 का रिवीजन था, करा था पूरा मैंने। वो 3 दिन में तुम पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज कर लोगे, जो मेन मेन स्टैंडर्ड है, जिसमें IFRS 9 IFRS 3, जिसमें मैंने बोला कि पूरी दुनिया है, वो मैं तुम्हें स्टैंडर्ड दूंगा और तुम पूरे रिवाइज कर लोगे उसके अंदर। सही हो गया सर? 20 अगस्त से ऑनवर्ड्स आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, क्लियर है बात यहाँ तक? फिर हमारा वेबिनार होगा सर। वेबिनार कब होगा हमारा? तकरीबन 25, 26, 27, यानी कि ये सेकंड रिवीजन हमारा शुरू हो गया। 25, 26, 27 अगस्त को मैं तुम्हें पूरा वेबिनार करा रहा हूँ, कि यानी कि जितना कोर्स हमने पढ़ा है उसका मेजर एरिया तुम्हें फिर से रिवाइज कराऊंगा, ताकि तुम अपना मॉक अच्छे से दे सको। सर 28 अगस्त टेंटेटिव डेट है ये कि तुम्हारा मॉक लूंगा मैं, और फिर मॉक डीब्रीफ होगा, फिर इंडिविजुअल असेसमेंट्स होंगी, और फिर तुम्हारी एग्जाम डेट आ जाएगी 8 सितंबर 2022 को। तो सर आज के दिन कौन कौन ये कमिटमेंट करता है कि इस प्लानर को हम फॉलो करेंगे? मैं बार बार तुम लोगों को एक ही बात कहता जा रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने इस प्लानर को फॉलो किया तो F7 वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू गाइस। क्या हम इस प्लानर को फॉलो करेंगे? अच्छा, तो उस रिविजन किट स्टार्ट हम कब करेंगे? हर लाइव क्लास में हम रिविजन किट ही कर रहे होंगे, जब तक मैं तुम्हें ना बोलो तुमने रिविजन किट स्टार्ट नहीं करनी। पहली लाइव क्लास जब होगी ना, उसमें हम रिवीजन किट को स्टार्ट करेंगे, और फिर मैं तुम्हें पूरा प्लानर दूंगा कि रिवीजन किट तुम्हें किस तरह करनी है। अभी शुरू के 10 दिन तुम्हें सिर्फ लेक्चर्स को देखना है और उनको खत्म करना है। 10 दिन बाद जब हमारी पहली लाइव क्लास होगी, उसमें हम नॉन करंट एसेट के एक सवाल कराऊंगा मैं तुम्हें, और फिर तुम्हें बताऊंगा तुम्हें खुद कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। अच्छा सर, एक सवाल आया कि व्हाट विल बी टाइमिंग फॉर लाइव क्लास? सर नॉर्मली हमारी क्लास वही 7 o'clock और 7:30 to 8:30 होगी, 7 to 8 और 7:30 to 8:30 ऑन एवरी मंडे। सही है, शेड्यूल आपके पास पूरा ग्रुप प्लेटफॉर्म उस पर होगा पोर्टल पे, तो वहां से देख सकते हैं किस किस दिन हमारी लाइव क्लास होगी। सही है, और कोई क्वेश्चन? अच्छा मुझे एक चीज तुम लोग कंफर्म करो कि क्या तुम सब लोग खाली F7 दे रहे हो या कोई और पेपर्स भी साथ में ऑप्ट किए हैं तुम लोगों ने? जस्ट F7, ओके F7, ओनली F7, F8 भी है साथ में, बेहतरीन। F7 एंड F8 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, बेस्ट। ओके, कल F5 की ओरिएंटेशन है, तो प्लीज अटेंड करो उसको जरा, और फिर तुम एक माइंड बना चुके होगे कि F5 F7 साथ ही देना तुमने। बाकी लोग बताओ। अच्छा, वो तमाम लोग जो सिर्फ F7 दे रहे हैं, तो भाई तुम्हारे लिए जिंदगी बहुत आसान है, बट प्लीज सब ने एक चीज कमिटमेंट करनी है मेरे से आज, के हम लोग अपना प्लानर प्रॉपरली फॉलो करेंगे। सर नॉर्मली होता क्या है, शुरू में बच्चे बहुत स्लो चल रहे होते हैं, कि यार बहुत टाइम है, 3 महीने, वी आर लेफ्ट 3 मंथ्स, तो हम आराम से कवर कर लेंगे। सर ऐसा नहीं होता है, एंड में तुम्हारे पास इतना पहाड़ जैसा कोर्स है। सर F7 वो पेपर है कि तुम F7 का कोर्स, आई गेस शायद स्किल मॉड्यूल में सबसे बड़ा कोर्स होगा, इतनी चीजें उसके अंदर याद करने की, समझने की। तो अगर तुम अभी शुरू से ही सीरियस नहीं होगे ना, तो एंड में तुम्हारे पास इतना कोई कोर्स बन जाएगा कि तुम उसको प्रॉपरली कवर नहीं कर पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट तुम लोगों से ये है कि शुरू से चलना, चाहे एक पेपर दो चाहे दो पेपर दो, एटलीस्ट भी 2 से 3 घंटे डेली F7 को आपने देने ही देने हैं। तो F7 कोर्स तुम्हारा अगस्त के स्टार्ट में या मिड में तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा। अच्छा सर एक बात, आप कब से अपने TA की बात करेंगे? एक टीचर असिस्टेंट होगा जो आपके लिए अवेलेबल होगा, आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। सर उस टीचर असिस्टेंट का नाम क्या है, उसका रोल क्या है? तो सर माई टीचर असिस्टेंट फॉर दिस सेशन वुड बी अदनान अब्बासी, ही हैज जस्ट जॉइंड येट फॉर यू गाइस, तो लेट्स वेलकम हिम। अच्छा सर, शुड बी रिमेम्बर ऑल द IS नंबर। आप कोशिश करो, मैं बोलता हूँ ना कि तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि F7 मुश्किल लगे,
तुम F7 में इतनी चीजें आसान करके पढ़ोगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड का नंबर क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ था, सब इतनी समरी बना के दिए तुम लोगों ने, इतनी डायग्राम बना के दिए, तुम्हें हर चीज आसानी से याद हो जाएगी। तुम्हें स्पेसिफिकली याद नहीं करना कि IS-2 इन्वेंटरी था, IS-16 PPE था, IS-38 इंटेंजिबल था, IS-16 लीजिस था। जब तुम कोर्स के एंड में पहुंचोगे ना, तो तुम्हारे जहन में खुद ये चीजें होंगी, यार ये स्टैंडर्ड में ये बात लिखी थी, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, अगर किसी को कोई भी कंसर्न है, कुछ भी है, तो मैं अपना नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप लोग जब चाहें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दोज हु आर आउटसाइड पाकिस्तान, +9232126766000। सर कोई भी काम हो, प्लीज फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। F7 के हवाले से कोई बात करनी हो, कोई और करियर के हवाले से बात करनी हो, सर अवेलेबल फॉर यू 24/7। जस्ट फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, कॉल मी एनी टाइम। अगर कॉल ना उठे या रिस्पॉन्ड ना आए, तो एक घंटे में रिमाइंडर भेज देना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, कहीं ना कहीं मैसेज मिस ना हो जाए। तो अगर रिप्लाई ना आए, तो प्लीज फील फ्री ड्रॉप मी अ रिमाइंडर एज वेल, कोई टेंशन नहीं है। डन। थैंक यू सो मच। लेट्स एंड अवर ओरिएंटेशन सेशन एंड स्टार्ट अवर F7 जर्नी फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच।